हवा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण जहरीले तत्व हमारे फेफड़ों और श्वास प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से लोगों में COPD के मामलों में इजाफा हो रहा है। विभिन्न अध्ययनों में पता चलता है कि जो हवा हम सांस के रूप में लेते हैं वह बेहद जहरीली है। तो आइए आज हम जानते हैं कि COPD क्या होता है, किन किन कारणों से COPD होता है, COPD के लक्षण क्या होते हैं और COPD को हम आयुर्वेद की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या है COPD? COPD एक कॉर्निंग फेफड़ों की बीमारी है। इसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। यह सूजन निरंतर बढ़ सकती है जिससे आगे चलकर फेफड़े छन्नी हो जाते हैं। यह बीमारी सांस में रुकावट से शुरू होती है और धीरे धीरे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। यह समस्या अचानक परेशान नहीं करती बल्कि धीरे धीरे पनपती रहती है। ऐसे में मरीज को यह बीमारी कब हुई इसका पता लगा पाना कठिन है। इसके लक्षणों को समझने में भी काफी समय लग जाता है। आमतौर पर इसके लक्षण समय के साथ गंभीर होते चले जाते हैं और मरीज के दैनिक कार्यों को प्रभावित करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं COPD के लक्षणों के बारे में। COPD रोगियों को अक्सर सांस लेने में मुश्किल होती है अथवा खांसी, जुकाम व फ्लू, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न, पैरों में सूजन, वजन घटना, तनाव, हृदय की समस्या, फेफड़ों का कैंसर जैसे खतरनाक लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं COPD किन किन कारणों से होता है। COPD के रोग होने का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण और स्मोकिंग है। वहीं जो लोग गांव में रहते हैं वो चूल्हे से निकलने वाले धुएं से इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसी कारण वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा इस बीमारी का शिकार होती हैं। प्रदूषण बढ़ने के चलते मेट्रो सिटी में जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करते हैं वह भी हर रोज 10 सिगरेट के बराबर धुएं को अपने अंदर ले रहे हैं। COPD रोग का उपचार करने के लिए कई लोग एलोपैथी उपचार को भी चुनते हैं, मगर एलोपैथी में चलने वाली लंबी लंबी दवाइयाँ कई साइड इफेक्ट के साथ साथ आपका खर्चा भी बढ़ा सकती हैं। एलोपैथी में मिलने वाली दवाइयाँ आपके इस रोग को थोड़ी देर के लिए दबा देंगी मगर उनको हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। और इसके विपरीत आयुर्वेद में इतनी क्षमता है कि ऐसे खतरनाक दिखने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म कर सके। हमारे आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा आप अपने फेफड़ों को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके फेफड़ों से वह सारे विषैले पदार्थ निकल जाएंगे जो आपके एल्वोली को खराब करते हैं। जड़ी बूटियां आपके टिश्यू को रिपेयर करती हैं, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और आपको सांस से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस्ड रहती है। आयुर्वेद में चलने वाले उपचार से आपके शरीर को किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा बताए जाने वाले डाइट प्लान और कुछ एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने फेफड़ों को लंबे समय तक निरोगी रख सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करके हमारे शुद्धि क्लिनिक में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और हमारे 100 से अधिक क्लिनिक में अपना निशुल्क उपचार करवाएं। शुद्धि की पूरी टीम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। धन्यवाद।